वेलकम बैक गाइस, और हम सब तैयार हो चुके हैं। और शर्मा भाई ने नई कार खरीदी थी, तो पहली कार की ट्रिप मसूरी के लिए चल रहे हैं हम सब। तो बहुत बढ़िया, नितिन भाई ने तुरंत किया उजाला और लाइट जलाई। शर्मा जी जरा गाना चला गाइस। हेलो बोलो गाइस। हेलो गाइस, रामचंद्र भगवान के। चलो भैया, जय चलिए, जय श्री राम, जय माता दी। चलो भैया, गाइस हम निकल चुके हैं विश्वविद्यालय के गेट के बाहर। और चलिए, अभी हम अपने विश्वविद्यालय से की हदों से बाहर होते हुए पहुंच चुके हैं दोराला में, मटोर मटोर जो कि पहुंच चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगर आपको भी घूमना है मसूरी फ्री में। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और भाई हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुक गए हैं, काफी सफर कर लिया है। ये हाईवे किंग पे, और ये शर्मा भाई की आर्टिका खड़ी है। एक बार आर्टिका खरीद ली है शर्मा भाई ने, गाना बज रहा है। भाई 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 कार बिल्कुल रेडी है, जाएंगे मसूरी तक। यहाँ रेस्ट करने के बाद अब हम चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब तैयार है भैया फिलिंग के लिए। भैया होने लगी है फिलिंग हमारे कार की, और इसके बाद चलेंगे भैया, रेडी टू गो हैं। इस तो ट्रिप में बैठे बैठे हम थक गए थे, मतलब कार में बैठे बैठे। तो हम निकल आए थोड़ा बाहर रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करेंगे हम ये बीच में मिला है ढाबा जाने। एक ही को गा लें दे। टाटा पंच हमें हम सताए हुए हम लोग एंट्री कर चुके हैं देहरादून में। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है, वाइब मिल रही है। आहा वाह।
बहुत रात भाई। अबे आ जाती ना चीजें मजा। कर चुके हैं मसूरी में एंटर, आप देख सकते हैं मसूरी का व्यू। क्लाइंबिंग तो हम रुके हैं देहरादून के बीच में और अब हम बनाएंगे अपनी मैगी। तो ये है हमारा छोटा मैगी का बड़ा पैक, इसको ले लेंगे। अनपापा सिलेंडर उठा लियो, ये साइड में कर दियो बैग पहले। शर्मा भाई हमारे जिसकी कार है भाई लेके आए हमें। इधर आ जाओ, एक बार ऐसे कर लो, एक बार ऐसे कर लो। जस्ट वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक बार ऐसे फ्रेश हो, सेक्सी भाई, बढ़िया भाई। चले भाई चले, गाते हैं अनुपम। नंबर में लाइट थोड़ी दिखेगी भाई, बेख्याल ही चला दे रहे हो। हम लोग आ गए हैं मसूरी और जहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं हम। तो अभी ठंडी लग रही है सबको, तो अभी हम जलाएंगे कुछ आग। ट्रिप रेडी टू गो है और बोन फायर का आनंद हम सब ले रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ शरीर को थोड़ा गर्मी दे के हम चलेंगे ऊपर की तरफ। तो अभी तक पटेल भाई सब कुछ भूल चुके हैं, अब देखते हैं भाई कैसे हम लोग ऊपर तक जा पाएंगे जो ठंडे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। रेडी टू गो हम जाने, चलिए अभी मिलते हैं भाई। तो गुड मॉर्निंग, और अभी सामने का व्यू देख सकते हैं आप, अभी सनराइज होने को है। तो सनराइज देखने के लिए हम चलने वाले हैं। जीतता ही कहते हैं, फिर शेर वाला कर देना तू, चोट लग जाएगी। चीता कह रहा आज। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं सनराइज देखने। कहाँ जा रहे हैं सनराइज? बद्रास टेंपल, बद्रास टेंपल का सनराइज देखने। और जो इस बार जॉर्ज एवरेस्ट नहीं जाएंगे। जो यहाँ का जो मनमोहक व्यू है, एकदम इतना एडवेंचरस जो फील है, एकदम ये एडवेंचरस फील आप कहीं नहीं ले पाएंगे। इन पहाड़ों की गलियों में चलने में जो मजा आ रहा है, और शर्मा जी जो स्टेयरिंग पे हाथ घुमा रहे हैं एकदम, कोई उठपटांग। ये देखिए वाह, इसीलिए कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। ओ भैया वो ऊपर देखो, जरा जल गए। भैया बहुत सुहाना सफर है, आप देख सकते हैं जो कि है ये क्या प्यारा एडवेंचर। और शर्मा भाई हमारे साथ ड्राइविंग सीट पे, वाह ओ देखो बहुत बढ़िया, वाह खत्म कर दूं यार सब का मामला, लचाओ देखो वाह। तो अभी हम आ गए हैं जिस हिल पे चढ़े थे उसकी पीक पे, तो अभी हम चलेंगे शर्मा के पीछे। हाँ भाई आ जाओ, चलिए भैया शर्मा आगे निकल गए हम, जरा फोटो वोटो खींचने में हो गए थे पीछे। और हम घनी वादियों में आते हुए, शर्मा कार लॉक कर दी थी शर्मा भैया। हाँ आ जान दो ऊपर पहले, पेड़ पे चढ़ जाओ।
से मन डोले। वो टॉप था बाहर तरफ का ही थोड़ा दिखता था। तो इसी पहाड़ी पे हम आगे की तरफ चलेंगे। पहाड़ी में जोर बता दिया और और क्या जॉर्ज पे हम घूम चुके थे इसलिए सर नए एडवेंचर करने आएंगे। ये है यहाँ से देखो जी नीचे का व्यू तब प्यारा। तो भी चलेंगे ऊपर, बाकी सब नीचे हैं, अगर ऊपर कुछ अच्छा मिलेगा तो हम उन्हें बुलाएंगे। चलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, तो भी चलेंगे। तो हम बहुत ऊपर उठा गए आ गए। ये नीचे का व्यू और बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, देखो उधर से कैसे राज टेंपल जा रहे थे। मिलते हैं अभी ऊपर। फिर कभी भी अगर पहाड़ घूमने आओ तो बिना ऊंचाई जाने पहाड़ पे कतई ना चढ़ो। हम चढ़ गए थे आज भैया, जो उतरने में जो पैर स्लिप हुए हैं हमारे वो हम ही जानते हैं, कैसे उल्टा सीधा होके उतरे हैं हम हमें ही पता है समझो भैया। पर आ गए नीचे, देखिए यहाँ जहाँ हमने अपनी कार पार्क की थी वहाँ से व्यू है प्यारा। नीचे रोड है और ये सामने सिटी और ये बढ़िया हो गया। मिनी नाश्ता कर रहे हैं इस समय बैठे, पहली रखिए बढ़िया नमकीन बना लिया बैठे हैं। ये भैया बाबू अंजू बाबू हैं, आगे अपनी कार चला रहा है और पड़ोस में सोनी सहयोग के लिए बैठे हैं जो ऐसे हमारे साथ बने रही है सफर में। नमकीन का स्वाद चला रहा सोनी और नमकीन का स्वाद लेते रहिए। चलिए भाई ये वही वाली है यसर वाली, तो वही बार बार पुरानी जगह जाओगे क्या मतलब। बहुत प्यारा है जो कि व्यू है, क्या प्यारा थोड़ा। ये हंसी बात यार, ये खुला आसमां आ गए हम कहां ओ मेरे जाने जा। सोनी यार चलिए भाई मिलते हैं आपको। लंबी डायर माइन जो भी है वो हम देखेंगे, जिसमें क्या कहते हैं कि एक बार 500 वर्कर जो है एक माइन में काम कर रहे थे तो वो माइन में सारे वो है उसके पड़ोस। ये है वो माइन जहां वर्कर की डेथ हुई थी, करीब 500 वर्कर थे। आज भी बर्फ है दे। ओ या। और हमें सामने बर्फ दिख रही है गाइस। ये देखिए ये है वो माइन जहाँ 50,000 वर्कर्स की मृत्यु हो गई थी अकस्मात। तो ये वो माइन है, कौन सी माइन है भाई? लैम्बिडर माइंस। ये देखिए यहाँ लोग जाएंगे नहीं क्योंकि कहा जाता है कि आज भी यहाँ पे आत्माएं रहती हैं। तो ट्रिप रेडी टू गो करते हैं और हम चलते हैं। हॉस्टलर चलने से पहले हम कौन सी भाई रोड ब्रेकफास्ट करेंगे, माल रोड पे करेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ खाएंगे हम पराठे, यहाँ के मशहूर है पराठे, जो वो पराठे खाएंगे। तो इस सौंदर्य से दृश्य का हम उठाएंगे लुफ्त। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। सीधा हिसाब है। तो ये देखे सुंदर सा व्यू, कर लेंगे कुछ नाश्ता क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। कर लिया है नाश्ता, छोटा सा चाय और पराठा। तो अब चल रहे हैं हॉस्टलर्स, जो मेन डेस्टिनेशन है हमारी, जो बुकिंग हो गई थी पहले से ही, तो वहाँ चलेंगे। मिलते हैं हॉस्टलर्स में। तो ये रास्ता जो जाता है हॉस्टलर्स को, प्यारा पहाड़ों के बीच से होते हुए। पटेल को मिला है इस बार पहली बार काम, खुद बाहर निकल के गाड़ी को मुड़वा रहा है। एक बार इधर आता है
फिर दौड़ के इधर आता है। फाइनली हमारी कार मुड़ गई है, बैठा तो ले आम चढ़ाए। अबे यार चिड़े जाएगा यार। हमारे पटेल भाई को पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि और नाम स्पीड छोड़ के आ गया। पटेल भाई आ रहे हैं, कैसा लगा पटेल भाई? सीधा जाना ना भाई, ये बता दो। और फाइनली हम लोग आ गए हैं हॉस्टलर, बस पहुंचने वाले हैं। दो रिजॉर्ट जो थे सस्ते थे, इम्पटी फॉल और एक कौन सा था भाई, जॉस्टलर, तो वो हमने बुक नहीं करे। गाइड ने इंश्योर कर दिया है कि हम आगे ले आए। और ये हमारी बाउंड्री शुरू हो जा रही है अनुपम भाई, यहाँ से रिजॉर्ट शुरू होता है हमारा जो हमने बुक किया है। तो पर कैंडिडेट बस कहीं वहीं कुछ, ये रावत जी की टपरी जहाँ हम लोग शाम को आएंगे जयपी ने। तो बैठोगे आ जाओ बैठ लो। तो ये रास्ता है, तो ये देखिए ढलान, हम इसी ढलान पे उतरने वाले हैं। चलो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो देख रुक गई स्कूटी, हटाओ यार। अरे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यही ना अपनी पार्किंग है? हाँ हाँ दी हॉस्टल पार्किंग लिखा दो। और हमने कर लिए गाड़ी पार्क, ये दी हॉस्टल पार्किंग। देखिए हमारे रिजॉर्ट की पार्किंग भी है अपनी, खुद की पार्किंग है हमारे। गाड़ी ने बुक किया है उसमें देखिए ये एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है जहाँ भी चलेंगे। और कार हमारी पार्क हो चुकी है तो अभी चल रहे हम। और यहाँ हम रुकेंगे तो अभी थोड़ी देर आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। अभी हम भी लोग थोड़ा फ्रेश हो लें, मिलते हैं थोड़ी देर में। कर रहे हैं रिलैक्स झूले पे, ये देखो भैया हम मैं शर्मा के साथ कर रहे हैं रिलैक्स। और बेटा जो सीकर सीक्रेट वाटरफॉल पानी लिया यार, जो वाटरफॉल बह रहा है तो वहीं हम चल रहे हैं। चलिए थोड़ी देर बैठेंगे हम वाटरफॉल में। तो इधर हम सब चल रहे हैं उधर ही। तो सामने सारे रूम हैं डॉर्मेट्री और इनकी डेकोरेशन, ये इधर पहाड़, बाकी इन्होंने गार्डनिंग वगैरह कर रखी है बढ़िया। ये है इनका पप्पी हॉस्टलर्स का, क्या नाम है भैया? पोको, मोबाइल फोन वाला। तो ये मोबाइल फोन वाला पोको है, तरार को पसंद आ चुका है। चलिए चलिए भैया बाबू, या सिस्टम ऐसा ही है, यहाँ बैठा जाता है भैया। यहाँ आप चल सकते हो, इधर भी घूमने घूमने के लिए बनाया है। कोई वहाँ बैठेंगे वहाँ, तो अभी वहाँ बाद में बैठेंगे जाके, अभी यहीं बैठेंगे तब तक। यहाँ बैठते हैं अभी, हमारी तरफ से निगाहें। बोले पटेल कुत्ते को ले आया, वो पोको नाम है पटेल उसका, पोको पटेल को पसंद आ चुका है पोको। ओ नाला ना वे। तो रूम की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, रूम हमें मिल चुका है डॉर्मेट। लेकिन अभी हम थोड़ा घूमना चाहते हैं तो हम आ गए हैं थोड़ा विजिट करने इधर की साइट, जो ये साइट है इधर, इधर करेंगे हम विजिट। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं,
चलिए इन बच्चों से मिलते हैं। ये देखो भैया सिस्टम चल रहा है इधर बच्चों का। अबे यहाँ पे है नहाने वाला, यहाँ नहाओ, यहाँ मजे आएंगे भाई। है उधर जाने वाला है, तो अब हम इस रास्ते पे जाने वाले हैं। तो आ गए हम पास, अब अनुपम भाई आ रहे पीछे पीछे। तो हम आ गए बच्चे भैया यहाँ नहा रहे हैं, बढ़िया मजे कर रहे हैं, यहीं नहाने का अच्छा है सिस्टम, तो हम भी यहीं नहाएंगे सोच रहे हैं। तुम लोग यहीं रहते हो इधर ही? हाँ तो मसूरी तो है इधर यार, यहाँ पे गहरा है कितना गहरा। तो ये यहाँ नहाएंगे भाई, यहाँ बढ़िया नहाने, यहाँ बढ़िया ना नहाने का, यहाँ नहाओगे आराम से, यहाँ नहाएंगे आराम से। अरे यहाँ नहा सकते हो, यहाँ कोई आएगा नहीं देखो। हाँ हाँ आओ उधर देख के आते हैं, उधर बढ़िया लग रहा है, उधर एडवेंचरस लग रहा है भाई। तो बहुत प्यारा माहौल है यहाँ का भाई। और देखिए ये जाति कहाँ है लास्ट, तो हम देखने जा रहे हैं कि ये नहर जो है नदी है आखिर जाति कहाँ है। तो चलिए चलते हैं देखने इसका पॉइंट। तो बहुत बढ़िया एडवेंचर एक्सपीरियंस मिल रहा है हम लोगों को। तो अभी थके तो बहुत हैं हम, लेकिन एक बार नींद जाने का फिर नींद आती नहीं है। तो अभी हम चलता है, तो फाइनली हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ ये सीक्रेट वाटरफॉल मिल रहा है। देखते हैं कहाँ पे ये मिल रहा है। बहुत बढ़िया एडवेंचर, ये देखिए एकदम प्यारा व्यू जो आ रहा है, बहुत सुंदर पत्थरों के बीच से इधर झरना। बहुत प्यारा ये यहाँ का व्यू, बढ़िया। अगर हम अंदर से देखें हाँ ये कितना प्यारा व्यू, ये देखो हाँ हाँ बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, और अभी हम आराम मतलब सो के बढ़िया एकदम आराम कर चुके हैं, कोई भी थका हुआ नहीं, सारे सो लिए, कुछ लोग सोए नहीं हैं, वो घूमते रहे पूरा, बट हम ज़्यादातर लोग सो लिए हैं। तो अभी हमें कुछ खाना पीना है, तो खाने पीने के लिए जहाँ पे हम लोग नहीं रुक रहे हैं खाने पीने के लिए बाहर जाएंगे सूदी में, तो वहीं बस कुछ पहुँच गए कार के पास, अपने कारी के पास, तो कुछ लोग वहाँ खाएंगे पिएंगे। चलिए तो ये हॉस्टलर्स से हम रुके हैं, तो अभी वहाँ जाने के बाद हम आपको करवाएंगे यहाँ का विजिट एक्सप्लोर, ये यहाँ का वाटरफॉल ये बहुत अच्छा, हम लोगों ने आगे जाके इसे देखा है। तो अभी चल रहे हैं सारे, तो ट्रिप हमारी रेडी टू गो है, और हम निकल आए कुछ खाने पीने, थक तो बहुत चुके थे हम, तो रेस्ट करने के बाद अब लगी है हमें भूख, तो हम चल रहे हैं कुछ खाने पीने की तलाश में। तो कुछ अनुभवी प्लेयर्स हैं हमारे पास जो पहले से यहाँ आ चुके हैं। चलिए भाई देखते हैं कहाँ मिल रहा खाने पीने का कुछ।
तो अभी हम भैया खाना खा लेंगे, पनीर और दाल की थाली लग गई है, मिलते हैं खाना खाने के बाद। अरे देखो ना मिस्टर, आगे बैठा है, कोई एक अच्छा बोल ना देना बर्तन। तो अभी हम शाम को चाय बनाने के लिए यहाँ से लेंगे दूध, इधर से लेंगे मैगी बनाने के लिए सब्जी, और कुछ लोग अपने लिए भी कुछ लेने गए हैं। तो पटेल और सोनी गए हैं चिकन देखने, हम लोग यहाँ दूध ले लेते हैं। या हमने ले लिया चाय बनाने के लिए दूध, तो हम थोड़ा दूध को अंदर रख के करेंगे एक्सप्लोर। पहले दूध को रख देते हैं कार में, नहीं घर की तरफ। ओए शर्मा, तो अभी हमने रख दिया दूध कार में, तो अब चलेंगे देखेंगे थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे भाई। आए तो ले ली भैया सब्जी, पीछे देखेंगे कार करनी है। चलो 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 चल, बस इतने में निकल जाएगी। चलिए तो हम रेडी टू गए, ट्रिप भी हमारी रेडी टू गो है, तो अभी हम चलते हैं आपको। फिर से वो लाइन दोहरा चाहूंगा मैं कि सभी लोग अपनी पेटी जोर से कसेंगे, जब पटेल बर्तन धोएंगे तो सब मिलके हंसेंगे। मिट्टी बोलूंगी, मिट्टी मिट्टी बोलूंगी, वचन तोलूंगी। यार जगह है नाचने की, यार लाइट बोलूंगी तो मजा आ जाएगी। सोनी कह रहा जगह है नाचने का। गाइस पटेल बर्तन धुलने गए हैं गाइस, यहाँ से यहाँ। तो अभी पूरे हॉस्टल में जो लाइट जल गई हैं, बढ़िया डेकोरेशंस कह सकते हो, ऐसा डेकोरेशन तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का, क्योंकि हॉस्टलर्स का काफ़ी यहाँ पे वो कह सकते हो आप बोल वाला है, अच्छा है ओवरऑल। हम लोग को भी अच्छा मिला, सर्विसेज अच्छी हैं, रूम्स क्लीन हैं। अभी आपको हम रूम एक्सप्लोर कराएंगे, और यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी है, नेचुरल व्यू, वाटरफॉल है यहाँ पे, और बहुत प्यारा है। ये यहाँ की मैस है, खाना वाना भी बाकी है। ये पोको यहाँ आ गए सुबह मिले थे थोड़ा बहुत, यहाँ डीजे नाइट। और अभी देख लेते हैं बाकी सब कहाँ गए हैं, तो हम भी चल के फिर यहीं पे डीजे नाइट होगा, इधर खाना पीना। ये लॉबी है टहलने के लिए, बस यहाँ की डेकोरेशन। तो अभी हम सब मिलते हैं आपको, हम अपना जो हमें डॉर्मेट्री मिली है उसका एक्सप्लोर करा देते हैं, वो आपको विजिट करा देंगे। पोको ठीक, मिलते हैं आपको सीधे हम अपने रूम में। तो बारह मसूरियाँ हैं, तो आप हॉस्टलर्स कर सकते हैं, हम लोग को 3,300 पर डॉर्मेट्री पड़ा, जिसके लिए आप ऑनलाइन ही इनका चेक करके और वहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कर, प्री बुकिंग होती है। तो उसके बाद अगर आप 7-8 का ग्रुप है तो सबसे सही रहता है, वो उसको आप करके आ सकते हैं। तो अभी अनुपम भाई आ रहे हैं नीचे से खेल के, देखते हैं यहाँ पे डॉर्मेट्री के साथ आपको मिलता है ये, जहाँ आप खेल सकते हैं मेनी इंडोर गेम्स, जिसमें क्या आता है टीटी शर्मा महान प्लेयर टीटी के। ये देखिए वाह क्या कट किया है, और यहाँ पे कार्ड्स हैं, पहले तो ये बताएं क्या है, फिर ये लूडो कार्ड्स, चेस, ये भी चेस। तो ये इंडोर गेम्स है जो आप खेल सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर भी है, यहाँ बजा सकते हो स्पीकर। ये हॉस्टल का नाइट का सीन, यहाँ पे डीजे नाइट, और ये बोनफायर, मजे हैं यहाँ पे। गाइस ये हमारा रूम जो हमें मिला है, अब हालत हमने इसी बहुत ख़राब कर दी, पहले बहुत अच्छी थी। तो ये एक बेड, कंबल नीचे बिछाने के लिए, एक रजाई ऊपर ओढ़ने के लिए, अच्छा। और ये एक डबल डॉर्मेट्री है, ये 300 पर बेड के हिसाब से आता है इसका। तो हमने 8 डॉर्मेट्री गई थी इसमें, तो ये 8 डॉर्मेट्री का। एक हीटर मिलेगा आपको चलाने के लिए, सिम और ये चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पोर्ट मिलता है। और ये आपको एक कवर्ड मिलेगा जहाँ अपना सामान रख सकते हैं, ये सामान रखते हैं सब। और कवर्ड यहाँ को जोती नहीं लगी तो हमने सामान रखा नहीं भाई, बाकी
आपको एक बाथरूम मिलेगा जो कंबाइंड होगा पूरा, मतलब फ्रेश होने के दो जगह और बाथरूम एक, और ग्रीजर भी है ठंडकों में गर्म पानी के लिए। तो ये है ओवरऑल रूम जहाँ हम रुकेंगे। सबसे रूम से जैसे बाहर निकलेंगे तो ये यहाँ पे वाटरफॉल बढ़िया प्यारा सा एरिया, बट साइड में बहुत प्यारा यहाँ पे व्यू है। और ये पूरा हिल है, नीचे वाटर स्ट्रीम, ऊपर हिल, रात में दिख नहीं, अच्छा व्यू है। मजूरी में अच्छा है, 300 रुपये में आप यहाँ, आपको एक सामने बालकनी, ये लॉबी मिलेगी, यहाँ बैठ सकते हैं अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी पीना खाना हो। ऊपर ये छत, नीचे बस यही सब है। तो ओवरऑल अच्छा है, अच्छा लगा हमें। तो अभी हम डीजे नाइट वगैरह करेंगे, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस हम चल रहे हैं देहरादून, अब मिलते हैं आपको देहरादून। नहीं, देहरादून से पहले कहाँ जाएंगे? दलाई हिल्स और बुद्धा टेम्पल, दो जगह अभी हम घूमने वाले हैं। रात में जो डिसाइड हुआ है सभी की बातें सुनने के बाद, वो ये दो प्लेस डिसाइड हुआ है। तो हम इन दो प्लेसों पे टहलेंगे, उसके बाद देहरादून में आपको मिलते हैं। चलिए, तो ये यहाँ का चित्र है, दृश्य, और ये हॉस्टलर जहाँ हम रुके थे, दलाई हिल्स, और वहाँ पे करेंगे बच्चों के बुद्धा टेम्पल चलेंगे, और अब वहाँ के बाद फिर चलेंगे देहरादून। तो आप लोग फ्री में घूम सकते हैं अगर आप चैनल पर हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, चलिए फिर चलते हैं और रास्ते का मजा लेंगे। ये सामने का व्यू, इसका मैनेजमेंट टीम बैठी है आगे, आदरणीय अनुपम जी और सुश्री कुमारी, माननीय वृंदावन वासी अविनाश शर्मा महाराज के। चलिए, तो अब हम आए हैं द बुद्धा टेम्पल और दलाई हिल्स। तो ये बैठे हैं, तो ये अनुपम भाई और हमारे साथ, बाकी ये लोग आगे आगे। बुद्धा बहुत अच्छा है, बुट्टा बहुत अच्छा है, ये बुद्धा टेम्पल है। तो ये बुद्धा टेम्पल हिल्स, चलिए चलिए। तो अभी हमें चढ़ना है अप्रॉक्स 400 मीटर्स। ये सामने वो मिल है जहाँ लंबी हरमाइंस जहाँ हुआ था कांड, अप्रॉक्स 50,000 मरे थे लोग, कुछ बीमार कुछ ऐसे वैसे। और ये ट्रैक जहाँ चल रहे हैं। तो अभी हम बुद्धा टेंपल पे हैं, और ये लवासना है ट्रेनिंग सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज पर्सन्स, और ये बुद्धा टेंपल इधर, नंबर वन पर है, और ये सबके ब्लेसिंग फ्लैग्स। तो अभी हम घूम चुके हैं, तो अब चलें। तो अभी हम सबको भूख भी लग चुकी है, तो अभी प्लान है कि साथ मैगी बनाएंगे। सामने भी एक छोटा सा मंदिर, वहाँ भी हम विजिट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम बुद्धा टेम्पल कहाँ टहलेंगे हम थोड़ा देर, कुछ लोग वहीं रुक गए हैं, बाकी हम सोनी आए हैं यहाँ टहलने। हमें मैगी खानी है, तो हम जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? लंबी देहर माइंस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आ गए लंबी देहर माइंस के ऑफिस। अब हम यहाँ बनाएंगे मैगी, ये देखिए। तो
अभी हम अपनी कार पार्क करके बस नीचे रोड पे बस हमारी रेडी टू गो है और हमने ले ली है मैगी बनाने के लिए अपना सामान स्मैशा सामान। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। शर्मा भाई थक चुके हैं काफी क्योंकि इन्होंने ही अभी तक कार ट्रेवल की है शायद। और ये हैं यहाँ के गाइडर, ये गाइडर है दोनों लालू सिंह और कालू सिंह, तीन टैंक का लालू सिंह और चार टैंक का कालू सिंह। तो सामने भैया ये हम पीछे आ रहे हैं सारे और ये सामने व्यू ऊपर की तरफ ऑफिस है और ये सामने एक मिनट सामने ये व्यू और इधर और ये लालू कालू सिंह हमारे साथ ही हैं अभी। तो चल रहे हम तो आ गए हम ऑलमोस्ट वहीं जहाँ में बनानी मैगी, मैगी बना के यहीं खाएंगे हम मज़े होंगे। ये वो ऑफिस अगर इसके बाद आप लंबी डेर माइंस जाते हैं तो वो जंगल की तरफ है जहाँ आपको सर्च आउट करना पड़ेगा और वहाँ पे जाना रिस्की है। तो ये है तो यहाँ है, यहीं पे बनाएंगे मैगी खाएंगे। तो ये इधर का पॉइंट आपको दिखाते हैं व्यू, ये नाइस। चलिए चलते हैं। और ये लंबी डेर माइंस में हमारी मैगी बनने जा रही है। भाई कटा अंशु भाई मेहनत कर रहे हैं। प्याज कट गया है बाकी बस अब तड़का उड़का लगने जा रहा है। 60 लग गया है मुझे लग रहा है, नहीं वो FPS 60 होगा। प्याज बढ़िया हो गया हल्का हल्का, हमने इसमें MDH किचन किंग और कुछ मसाले और डाले, मैगी मसाले वगैरह भी हम डालेंगे। तो हल्का प्याज होने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, ये देखो कैप्सिकम भी है धनिया भी है तो पहले डाल देंगे टमाटर। बहुत जरूरी है, बहुत ही स्वादिष्ट एवं 36 व्यंजनों को जोड़ कर जो है ये मैगी बनाई जा रही है। सारी साग सब्जियां जो इसी में डाली गई हैं बिल्कुल ये जान लो शाही पनीर जैसी स्वाद शाही पनीर जैसा ही है। इस मैगी का कुछ हम नया नाम रखेंगे। तो अब टमाटर हो गया है, हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम। और साथ में कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। बंद कर दिया डाल देंगे इसमें मैगी मसाला तो मिक्स करेंगे अच्छे से। हाँ बहुत प्यारी स्मेल। अरे हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम रात में नहीं आए ना ये पूरा नहीं नहीं छोड़ के नहीं गए थे प्रियांशु भाई तुम्हें। हां प्रियांशु कैसी बात कर रहे हो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तेरे लोगों को ले लो यार, कैंपटी फॉल चलो, कैंपटी फॉल नहीं वो रॉबर्ट के चलो बस खा ले मजा आएगा ना पानी में घूमेंगे। बाबू जी सीधी हो जाएगी पूरी पूरी नहीं करनी तो हां चला रहे हैं बम मंडे को बंद तो नहीं है, बंद तो नहीं रखा पानी ज़्यादा से बस भाई खाना खाना है क्या तेरे में तो फिर टॉयलेट ढाबा पे खाएंगे एक जगह अच्छा था खुद हल्का सा तोड़ देंगे जिससे कि ये जल्दी हो जाए सुबह वाली कर लेंगे। रुक थोड़ी हरिद्वार पर जो प्याजी सी कैप्सिकम का वर्किंग जो इस पे दिख रहा है बढ़िया जीरा कैप्सिकम और ये मैगी हो चुकी है आधी। बस थोड़ी देर के बाद शुरू होता है। ये देखो पानी के पीछे ही झगड़े जा रहे हैं लोग, क्या यार चौथा तीसरा पानी के चक्कर में ही होगा मुझे लग रहा। तीसरा भाई अच्छा तीसरा नहीं हुआ क्या अभी? पानी मैगी रेडी टू गो है और ये गो होगी पेड़ की तरफ। वहाँ कुछ आबादी है, वहाँ कुछ आबादी है, वहाँ एक छोटा काला कुत्ता है, डब्लू घूम रहा है। सोनी बंद किधर को होती है? नहीं सोनी ने एक बार क्लियर कर दी। आ जाओ तो प्रियांशु आदि है वो। तो भैया रेडी हैं
इसको कितने लगेंगे? पंगत की दावत है यार, बहुत है। पास में तक थे वहाँ मिक्सर का लगा, इसमें वो हो जाता है, नीचे जम जाता है साला। पूरी नहीं चाहिए, नहीं पा भी नहीं पाओगे भाई, पा भी नहीं पाओगे, पा भी नहीं पाओगे भाई, पा भी नहीं पाओगे तुम। मैगी रेडी है, उठा लो, रेडी टू गो मैगी लो भैया, उठा लो, एक फोटो करा लेंगे भाई। अनुपम यार मेरी वीडियो आप फोटो करा ले। ऐसा लग रहा मुझे डाउनवर्ड धर्मा डाली रहा। ओए सब रुको, अभी रुक जाना। तो भैया खा रहे हैं सब मैगी, एंजॉय। तो अभी हम मैगी खा के विजिट करेंगे माइन का ऑफिस। तो ये है मेन, उसके बाद देखते हैं जरा ऊपर चढ़ के। तुम लोग गए थे ऊपर चढ़ के? इसमें नहीं गए थे। एक और है क्या? तो ये बाहर से इसका व्यू, अंदर देख लें एक बार। अंदर भी बस ऐसे, बहुत ज़्यादा खास नहीं कुछ। आगे वाला होटल क्या मिलेगा? ये जीना नीचे की तरफ जाता है जहाँ है इनकी माइन ओरिजिनल प्लेस। तो एक मिनट देखते हैं इधर इस वाले में एंट्री करके। यार तो ये अंदर से ऐसी है कुछ, ऊपर चलना। ये रूम है मतलब, ऐसा है कि यहाँ ऑफिस वगैरह है इनका। तो ऊपर चल के देखते हैं। काफ़ी डरावना प्लेस कहा जाता है, तो रात में यहाँ आप नहीं आ सकते, दिन के टाइम में घूम पाएंगे। ये है इधर का व्यू, ऊपर चले एक और, एक बार और चलते हैं एक और ऊपर फ्लोर। मजबूत कितना होगा इतने सालों से टिका। और ये लास्ट फ्लोर, तो ये यहाँ से व्यू एकदम प्यारा। खास डर जैसा है नहीं, सब नॉर्मल है, लेकिन रात में कहा जाता है। तो ये है सब, बाय। चलिए हम यहाँ लिख के जाएंगे अपने ग्रुप का नाम ब्लैक। किसी को 4-5 साल लगते, किसी को 1 साल। ये कि हम कभी भी अगर आए तो हमें यहाँ देखने को मिले। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैगी बना के खा लिया भैया, और पेट भरा सबका। हम चल रहे रोवर्स कैब देहरादून। तो यहाँ से सीधे हम मिलते हैं आपको देहरादून में। यहाँ का व्यू है देख लो आप, प्यारा। अभी हमने देहरादून में एंट्री कर दी है, तो हम जा रहे हैं रोवर्स कैब। तो वहीं जो है हम करेंगे एडवेंचर। बाहर कौन सा भाई एडवेंचर होता है? रिलैक्स करेंगे और व्यू देखेंगे। व्यू देखेंगे और पानी यानी रहता है वहाँ थोड़ा बहुत, आपको वहीं पानी में कूदेंगे। तो वहीं आपको दिखा दिया भैया। तो चप्पलें अपनी लेके आओ, नहीं तो यहाँ 10 रुपये उसके गारंटी के हिसाब से देना पड़ेगा। मोजे भी तो निकाल, ये नहीं बड़ी चप्पल ले, ऐसी लेना ये। मैं भी तो वही लिया, एक ही की ले लो ना सब। ठीक है देख लेते हिसाब से पहन दो। हम तो भैया लेके आ जाए चप्पल उतरा ले। होगा हमारा टिकट ऑनलाइन हो तो चलिए चलते हैं। करार ले कैरी आर योर ओन ओन टिकट, रेडी टू गो। ज़्यादा हो गया क्या अनुपम भाई का?
चलो भाई हो गया एंट्री। तो ये है रॉबर्स केव। ये पानी बह रहा है इधर, पानी काफी साफ काफी स्वच्छ। तो हम सब चल रहे हो सामने की तरफ, जो रास्ता है वहाँ चाहेंगे। तो अभी तो पानी में एंट्री नहीं करी है, लेकिन पानी में जाना तो पड़ेगा जब पानी में टहलने के लिए आए हो। तो फिर भी चल रहे हैं। खाने पीने के लिए है टी स्टॉल और ये सब। तो यहाँ पेट पूजा जन काम पानी वाला दूजा। तो बस यहाँ से स्टार्ट होता है रॉबर्स के। तो चलिए करते हैं एंट्री पानी में। पानी में घुसना है तो भैया सब अपने अपने पैर हैं अपने घुटनों से ऊपर, मतलब पैर घुटनों से ऊपर ना करो, अपने कपड़े जो पैर के हैं वो घुटनों से ऊपर कर लो, ना भीग गए तो कार में बैठना फिर मुश्किल हो जाएगा। होल्ड और पैंट। शर्मा भाई तैयार है क्योंकि शर्मा के पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है इस कैब का। क्या पानी है, इतना ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। अभी कुछ लोग तैयार है चढ़े अंदर आने के लिए, लेकिन तैयार नहीं हो पाए बिल्कुल। जल्दी आओ भैया बाबू, अभी ऋषिकेश भी चलना है। आ ये सभी लोग। बहुत मजा आ रहा है। स्पीकर होता साथ में बजाते चलते भाई। तो हम लोग इस समय कैब के अंदर चल रहे हैं और कैब में पानी बहुत, मतलब यह पैर जो है नीचे तक के लोग भीग रहे हैं। तो ये चट्टानों के बीच से आई हुई है गुफा, बहुत बढ़िया लग रही है ये इसका जो व्यू है। तो ये सब पीछे आ रहे हैं करके। तो हल्की सी दौड़ी है दिस से। तो अंदर हॉरर मूवी जैसा सीन बन चुका है एकदम। यह पानी अब ठंडा लगना कम हो गया, पानी चट्टानों के अंदर से यहाँ पानी का रिसाव होके पानी अंदर पहुंच रहा है गुफा के। तो बहुत खतरनाक और डरावनी सी गुफा। तो और यहाँ का जो व्यू है वो अत्यंत मनमोहक, बहुत मनमोहक व्यू। पानी के विपरीत धारा में चल रहे हैं इसलिए हम लोग को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। अगर आप वापस आते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो उमरा शर्मा द्वारा बताया जा रहा है कि सांपों का भी यहाँ पे थोड़ा डर है, तो थोड़ा हम देख के चलेंगे। हाँ मज़ा पूरा आ रहा है अंदर। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे गुफा दिख रही है हम लोगों को, शायद कोई जानवर वानवर रहता हो यहाँ पे। और यहाँ देखिए पानी का रिसाव काफ़ी तेज है क्योंकि ये पत्थर जो है अंदर से काटे गए, अंदर से लाल कलर का कुछ पदार्थ भी निकल रहा है, देख सकते हो ध्यान से देखो। है नहीं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ये जीवित पत्थर है। और यहीं धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी सावधानी से चलने वाला ये मार्ग है क्योंकि यहाँ पानी जो है देख सकते पत्थर बहुत यहाँ पे हैं। तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं और पटेला पूरा मजा लेते चल रहे हैं। वो पत्थर फंस चुका है पैर में, पत्थर निकाल दिया। बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यू। यही बीच में मैगी बेचने लोगों से, पटेल अच्छा स्टार्टअप है। हाँ यहाँ बीच में मैगी पॉइंट खोल दो इसी पहाड़ पे, अब बना बना के बेचने लोगों। यहाँ लाना चाहिए सिलेंडर और मैगी, यही बनाते हैं। तो अब ये सामने थोड़ा लाइट आई, अभी तक तो डार्क डार्क में ही घूम रहे थे हम, अभी थोड़ा लाइट है। तो बस सारे आ जाएंगे फिर हम पॉइंट में मिल चुका है। तो हमने देख लिया आखिरकार पानी यहाँ कहाँ से रहा है, ऊपर से पानी जो है वो ऊपर से ही आ रहा है जहाँ से उसे आना चाहिए। तो ये पानी गिर रहा है ऊपर झील से प्यारा। तो ये आगे कैंटीन है लिया थे, तो हम चल रहे हैं, हमने देख लिया यहाँ कैंटीन का रास्ता, तो हम चलेंगे उस कैंटीन की तरफ। तो ये जो एरो हैं इनको फॉलो करते करते आप पहुंच जाएंगे उस कैंटीन। जय हो जय हो। आराम से अनुपम भाई आराम से। चलिए कैंटीन की तरफ हम चलेंगे। खाना मिलता है क्या? खाना नहीं है, देखने चल रहे हैं। खाना नहीं मिलता क्या? खाना मिलेगा कैंटीन है तो।
क्वेश्चन हमें और लिखा हुआ मिल गया कि आगे 0.6 है, इसे फॉलो करें। तो हम फिर से दोबारा, हाँ मैं कर रहा हूँ, दोबारा एक बार हम फॉलो करेंगे और बहुत कठिन मार्क को हम इस समय तय कर रहे हैं। ओ आ गया मैं यहाँ, और जो मजा भी आ रहा है, एडवेंचरस भी है। और भैया आगे कैंटीन है, हाँ चलो। तो यहाँ भैया का मैं कंफर्म हो चुका है कि आगे कैंटीन है। हाँ तुम चढ़ कहाँ गए बाबू? तो ये अंदर का और भी जो अच्छा व्यू है, मजा आ रहा है। तो यहाँ आपको झुके झुके ही जाना पड़ेगा। मिलिए भाई, यहाँ पे जो पानी भरा है वो काफी अंधेरा है, यहाँ पे झुक के ही आप चल सकते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज्यादा है। और भैया फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो एक पुरानी सी दीवार बनी है, बहुत प्राचीन दीवार है ये, पत्थरों को जोड़ के बनाई हुई है दीवार है, ईंटों की दीवार नहीं है ये। तो इसे देख के प्रतीत होता है कि यहाँ पे कुछ था पहले जो कि अब नहीं है। अभी हम रोवर्स केप तो पूरी घूम चुके हैं, तो वहाँ में कुछ लोग मिल गए जिन्होंने बताया कि धनोल्टी में इस समय स्नो है। तो अब हमारा प्लान है कि हम धनोल्टी जाएंगे, हम जाएंगे स्नो देखने धनोल्टी के लिए। तो अब हमारा ट्रिप जो है धनोल्टी के लिए रेडी टू गो हो रहा है, तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अभी। रेडी टू गो है हमारा ट्रिप, हमें नहीं मिली तो हिमाचल चले जाएंगे भाई, बर्फ देख के ही जाएंगे। बहुत अच्छा भाई झरना था। अगर आप रॉवर्स के पे आ रहे हैं, कैब आ रहे हैं, तो आप 0.0 के आगे जाएं, वहाँ आपको अच्छा। लेकिन उसका पानी यार पानी, उनके बाद यहाँ हम फ्यूल फिलिंग करा के फिर चलेंगे धनोल्टी। तो अभी हम खाना खाने के लिए ढाबे पे रुके हुए हैं, अभी खाना खा के करने वाले भैया। आप खाएंगे खाना, हमारा खाना आ गया भैया, हम सब खाना खा के निकलेंगे धनोल्टी के लिए। तो लोग की प्लेट तो आ गई है, मेरी प्लेट आनी। कैसा है शर्मा खाना? बजट फ्रेंडली है खाना, 100 रुपये में आपको। देखिए यहाँ पे शाही पनीर की सब्जी है, दाल है, रायता है, खीर है, रोटी है, चावल है, और मेरी थाली भी आ गई, छोले। हमारी फ्यूल फिलिंग चल रही है, बहुत प्रयासों के बाद हमें मिल पाई है CNG। CNG भरवा के चलेंगे यहाँ से भैया। तो मिल गए भैया बर्फ, और हम आ गए धनोल्टी, रोड की पहली बर्फ। लो भैया दो, बहुत ठंडी। ये है पहली बर्फ धनोल्टी की। ओ भैया बर्फ आ गए, चलो बाहर फेंक दो साले, फेंक दो भाई, सफेद भी है अभी। ये बढ़िया है, और ये बर्फ है, ये बर्फ हम कल देखने जाएंगे आराम से, इधर से बाहर पार दिख रहा है। भैया चाय इधर लेटेंगे, चार दूसरे रूम में, चार बाथरूम में। गुड मॉर्निंग इन कांडाताल। तो आज बर्फ देखने के लिए हम कांडाताल आए थे, और ये हट्स जो हैं एक हिमालयन रूट्स करके है, हमने बुकिंग की थी। तो ये रूम है, हम लोगों को पड़े हैं ये 25,000 के, और ये हमारी चाय कुकर में हमने चढ़ाई है क्योंकि बर्तन धुलने की बड़ी शॉर्ट है। पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है, चिल जिस पार्ट पे लगता है वो पार्ट गायब होता है, तो समझ सकते हैं फ्रेश होने में कितनी जो मेहनत करनी पड़ी है लोगों को आज। तो यहाँ पे बोन फायर वगैरह भी है, बाकी सब, और डीजे वगैरह, डीजे नाइट, ये सब। तो अभी हम बर्फ देखने चलेंगे थोड़ी देर में, चाय वगैरह पी के नाश्ता करके मिलते हैं अभी। जो दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं शायद ये भविष्य में आप कर पाए, लेकिन हमने तो कर लिया है क्योंकि हमारी ट्रिप रेडी टू गो थी। और ये देखिए बर्फ में चाय, आहा क्या बात है। और ये देखिए आहा, ये देखिए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़। आप आ नहीं पाएंगे, हम आपको यहाँ ले आ रहे हैं, बहुत प्यारा व्यू। अनुपम होगा किसी का, तुम बनाओ यार। ओए चोट तो नहीं लगी तेरे को? ओए 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 वो अलग इलाका, हमारा अलग इलाका, दोनों इलाकों में फाइटिंग हो रही है। चलो वार तो हमने करे बहुत सारे मजे,
बहुत बस खेली, मज़ा आ गया। हम वापस आ गए अपने तंबू में और यहाँ से अपना सामान लेके चलेंगे। गाइस मैंने हम लोग ने यहाँ से कर लिया पैकअप, तो हम चल रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा है और यहाँ का पैकेज भी है, तो पूरा उसका है बोन फायर डीजे। यहाँ डीजे है, उधर है बोन फायर। और भैया रात को आए थे हम लोग को रूम देने, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। अगली बार पूरे आएंगे पूरे पैकेज के साथ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए भैया, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे अच्छा व्यू है यहाँ का एकदम। तो अभी हम सुरकंडा देवी मंदिर आए हैं, वहाँ बहुत बहुत अच्छा व्यू। तो ये देखो पीछे जूम करके डबल कैमरा कैसे, ये है और हम इससे जाएंगे मंदिर। वो हो सकता कि रोप वे ही ले हम। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी चलेंगे हम सुरकंडा देवी मंदिर। चलिए ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जो हम जा रहे हैं, तो ऊपर काफ़ी ऊंचा है लेकिन ऊपर से जो व्यू आएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये सामने का व्यू, चलिए। तो हमने ले लिया टिकट, 8 लोगों में अकाउंट कर लेना। देखो सब एक ही में है क्या? हाँ तो हमने ले लिए। चलो टिकट आ रही, चलो बढ़ो तुम, 8 काउंट करते रहो। तो हम चलने वाले हैं, ऊपर से चलने वाले हैं सुरकंडा देवी मंदिर। तो ये है, तो ये नीचे का व्यू और हम सब रेडी टू गो हैं। ट्रिप हमारी रेडी टू गो है। ये रोप वे, तो हम यहाँ से जाने वाले हैं। अभी आपको ऊपर से हम दिखाएंगे व्यू, बहुत प्यारे व्यू आने वाले हैं। पटेल शर्मा सोनी हम यहाँ, ये चार शर्मा की। और यहाँ से ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं, ये प्यारा व्यू, बर्फीले पहाड़ और हम रोप वे पे आगे बहुत ऊपर हैं। ये देखो ट्रॉली आ रही है हमारे जस्ट सामने। ओ भैया हमें यहाँ रास्ते में रोक दिया इन्होंने। भाई बढ़िया, मजा आया एकदम, बढ़िया एकदम बढ़िया। यार रोक दिया यार, यार बेटा कुछ हुआ तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान को याद, रेडी टू गो ट्रिप। राजा भाई प्रेम से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। चलो मम्मी सुरकंडा देवी आ गई। हमने दिया है निकाल, अब चलेंगे ऊपर। रोप वे से आने का एक फायदा है कि हमारा टाइम बच गया है, बाकी चीज हम घूम लेंगे। आ जाओ, अरे पैर भूल गया था मैं। भाई पहुंच गए हैं मंदिर, चलिए प्रसाद होगा। तो ये मंदिर प्यारा सा व्यू ये है। जय माता दी। ये मंदिर क्या कर लेंगे दर्शन।
नरी महारानी के बस सपे हाँ ओ मंगल मुखारी मंगल मंगला तरह मंगल स्वाहा जे घूम लिए हैं अब चल रहे हैं भाई क्योंकि रोप वे हो जाएगा बंद लंच का हो गया टाइम तो रोप वे बंद होने से पहले चलिए प्रेम से बोलो जय माता दी चलो भाई रेडी टू गो अब चलना कहाँ है नीचे तो नीचे कार से फिर चलेंगे कहाँ वो यहाँ जानते हो एक दो दिन बर्फ गिरने वाली है बारिश होने वाली है तो बर्फ गिरेगी अभी मैंने पूछा था लग गई थी सबको भूख तो करेंगे यहाँ पे नाश्ता तो ये सब कर रहे हैं नाश्ता खाएंगे शायद ब्रेड पकौड़े देख हाँ पकड़े हुए देहरादून तो हो रहे हैं वापस अब थोड़ी देर मेरा मेरठ पहुंच जाएंगे तो ही लगी है भूख तो पहले खा लेंगे खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे होलो गेट रॉयल्टी नहीं देख रहे हो यार
बाय।